नमस्कार साथियों, मैं उपस्थित हूँ बार एसोसिएशन देहरादून में। हमारे साथ में मौजूद हैं बार एसोसिएशन के सचिव अनिल पंडित जी। आइए जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि इन 10 महीनों में क्या उपलब्धियाँ इन्होंने की हैं और अधिवक्ताओं के हितों के लिए क्या कार्य किए गए। हम लोगों को लगभग 10 महीने यहाँ, 10 महीने का हमारा कार्यकाल हुआ है। तो उपलब्धि के नाम पे हम लोगों ने बेसिकली, एक तो जो काफ़ी समय से बार और बेंच के बीच में ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं थे, उनको बहुत अच्छा किया है, उनको सुदृढ़ किया है। दूसरी चीज़ जो समस्या थी हम लोगों के लिए बैठने की, चैम्बर्स की समस्या थी वकीलों को, तो उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से लगभग 7 बीघे ज़मीन की वहाँ हमें डिमांड थी, तो वो उन्होंने पूरी की है। तो जहाँ पे नई हमारी जो कोर्ट बनी है वहाँ पे 7 बीघे ज़मीन के लिए मुख्यमंत्री जी ने हमें हाँ कह दिया है, वो चैम्बर और पार्किंग दोनों की समस्या जो थी वो हमारी लगभग दूर हो जाएगी। इन 10 महीनों में क्या ऐतिहासिक? एक तो चैम्बर्स के कार्य हमारा ऐतिहासिक है, क्योंकि चैम्बर्स और पार्किंग की जो समस्या है वो वकीलों के लिए मेन समस्या थी, तो चैम्बर की समस्या दूर होगी तो ये ऐतिहासिक कार्य है। लगभग 250 नए अधिवक्ता हैं। उन लोगों को हमने कहा जो अच्छे सीनियर्स हैं उनके साथ जूनियरशिप करें, क्योंकि जो नया अधिवक्ता कॉलेज में स्टूडेंट रहता है वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इस कॉलेज में नहीं होती है, तो यहाँ अच्छे जो हमारे सिविल के और क्रिमिनल के अच्छे एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, तो उनके साथ जूनियरशिप करें, वहाँ से ज्ञान उनको मिलेगा। महिला कक्ष तो हमने बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, और वहाँ महिला कक्ष में हमने जितना भी वहाँ उनके बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, तो सब की है हमने महिला कक्ष में। मृत्यु पे हम अपने अधिवक्ता को पहले 25,000 रुपए देते थे, अब वो 1.5 लाख रुपए हो गया है, हम अधिवक्ता की डेथ पे 1.5 लाख रुपए उसको देते हैं। हंस फाउंडेशन के द्वारा जो है, तो हमारी जो डिस्पेंसरी है उसको गोद लिया गया है, तो जो डॉक्टर्स और दवाई का खर्चा है वो हंस फाउंडेशन उसको देता है। और एक चीज़ जो हमारे कार्यकाल में एक जो मेन उपलब्धि है कि जो एडवोकेट के स्टिकर थे, मोनोग्राम थे, वो दुकान पे उपलब्ध थे, तो कोई भी आदमी वहाँ से 10 रुपये का स्टिकर खरीद के उसको लगा लेता था। हम जनवरी से अपना बार एसोसिएशन का लोगो वाला एक स्टिकर जारी करने जा रहे हैं, जो बार एसोसिएशन में से ही मिलेगा, और जिन अधिवक्ताओं के नाम RC होगी, गाड़ी होगी, उनकी RC की फोटोकॉपी वो हमारे पास जमा करेगा, तब हम उसको वो स्टिकर जारी करेंगे। तो जो फर्जीवाड़ा था, कोई भी आदमी स्टिकर खरीद के लगा ले रहा था, वो फर्जीवाड़े पर रोकथाम होगी। मैं ये कहूँगा कि नए अधिवक्ता जो हैं वो आए, अच्छी तरह से सीखें और अपने व्यवसाय को आगे लेके जाएं, और हमारा जो व्यवसाय है बड़ा पेशेंस का व्यवसाय है, तो नए अधिवक्ताओं को विशेष रूप से पेशेंस रखने की आवश्यकता है, मैं यही कहूँगा।